लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज भी आप जब सोच रहे होंगे कि यार ये मॉडल तो लिखा है और वीडियो दिखाई दे रही है 3-4 मिनट की, तो 3-4 मिनट की वीडियो में अनबॉक्स और रिव्यू कैसे करेंगे? जी हाँ, आज हम आपको एक छोटी वीडियो में अनबॉक्स और रिव्यू करके दिखाएंगे। ज्यादा मत सोचिएगा कि हम कैसे बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर नहीं करेंगे, आप वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये मॉडल है आज जो हम लेके आए हैं, HP का न्यूली लॉन्च लैपटॉप 2023 में अभी लॉन्च हुआ है, FC0030AU Ryzen 5 7000 सीरीज के अंदर HP ने इसको लॉन्च किया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, सबके बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाते रहेंगे। आज हम ओपन नहीं करेंगे, आज इस लैपटॉप को भी ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो एक मॉडल पहले आया था FC0028AU वो लैपटॉप और ये लैपटॉप बिल्कुल सेम है, इनमें डिफरेंस नहीं है। हम उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। अगर आपको FC0030AU के बारे में कुछ भी देखना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा फिर ये वीडियो बनाई क्यों, क्योंकि ये वाला मॉडल जब तक लॉन्च नहीं हुआ था, जब FC0028AU आया था तब हमने उसकी वीडियो आपको बना के दे दी थी, लेकिन HP ने ये मॉडल और लॉन्च किया है FC0030AU को, वो बिल्कुल सेम स्पेक्स है, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ रैम का फर्क है। उसमें 8GB रैम थी, इसमें 16GB रैम है, और कोई भी डिफरेंस दोनों लैपटॉप में नहीं है। मैं इसको अनबॉक्स करूं आपको सेम वही चीज दोबारा दिखाऊं, वही बैक पैनल ओपन करके दिखाऊं, लेकिन ये वीडियो बनाना जरूरी था, क्योंकि अगर आप FC0030AU के बारे में जानना चाहते तो आपको नहीं पता चलता कि वो बिल्कुल सेम है FC0028AU के, सिर्फ और सिर्फ रैम का फर्क है, 16GB और 8GB। अब आप ये भी पूछेंगे कि इतने सिर्फ ये डिफरेंस के ऊपर HP ने लैपटॉप को क्यों लॉन्च किया। आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप FC0028AU को देखेंगे उसके अंदर रैम ऑन बोर्ड है, रैम इसमें भी ऑन बोर्ड है, लेकिन आपको वो वाले रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते, इसको भी अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट Ryzen 5 की में 16GB रैम की है, आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, इसलिए HP ने एक मॉडल और लॉन्च कर दिया कि आप 16GB रैम चाहिए तो इस लैपटॉप को ले लो, आपको 8GB रैम चाहिए तो उस लैपटॉप को ले लो, क्योंकि अपग्रेड नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो FC0028AU था, HP ने उसकी प्राइसिंग रखी हुई थी 51,000 और 16GB के रैम के साथ HP ने इसको लॉन्च किया है 55,000 में। तो दोस्तों HP ने आपका इतना ख्याल रखा कि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो हम आपको पूरी रेंज देंगे, HP ने इसीलिए ये लैपटॉप लॉन्च किया है, इसलिए आज हम इसको अनबॉक्स नहीं कर रहे हैं। अगर आपने इसकी स्पेसिफिकेशन देखनी है आप हमारी FC0028AU वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लगा कि हमें इस लैपटॉप को भी खोल के दोबारा वीडियो बनानी चाहिए तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आगे अलग अलग वीडियोस बनाते रहें, अलग अलग, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सेम मॉडल हो, अगर सिर्फ थोड़ा सा फर्क हो तो 2-3 लैपटॉप की एक ही वीडियो आपको दिखा दें, क्योंकि सब कुछ सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा छोटा फर्क होता है वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।